हैलो स्टूडेंट एग्जामपुर कलम से क्रांति मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ दोपहर के बारह और इस सैटरडे लेकर आए हम एम एस वर्ल्ड का एक बेहतरीन सेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इस सेशन से बाहर आ जाए तो बताना लेकिन सेशन आपको पूरा देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मैं आपको पहले जो चीजें पढ़ाऊंगी उसको शांति के साथ पढ़ोगे आप और उसके बाद आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं आज का सेशन एक घंटे का नहीं रहेगा आज का सेशन डेढ़ से दो घंटे का रहने वाला है और यह मान के चलो कि आप इस सेशन में एमएस वर्ड को सीख कर रहोगे ठीक है इसलिए मैं सब कुछ एक साथ नहीं लाया कि भाई एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट क्योंकि एमएस वर्ड बेशक ये है ही दो घंटे का एम एस चार घंटे का और एमएस एस पावर पॉइंट एक घंटे का चैप्टर है ना तो आज हम शुरू कर रहे हैं एमएस वर्ड के साथ आज के सेशन को सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून अ वेरी गुड आफ्टरनून में बहुत अच्छी हो गई और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल भले चंगे होगी मस्त कलंदर होगी अगर बीच में आवाज चली जाती है तो आप रेड कलर का सिंबल बना देंगे ताकि मेरा ध्यान पहुंच जाए जल्दी से है ना ऑफलाइन तो है नहीं कि अब चलना हो आवाज चली गई तो डेफिनेटली तो आपको ना यहाँ पर सिंबल बनाने पड़ेंगे रेड रेड ओके शुरू करते हुए आप आज आज के क्लास को और आज की क्लास को को और की स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो मैं आपको आपको यहाँ पर बताती हुई चलूंगी सबसे पहले दिल्ली पुलिस एडब्लू टीपीओ की जो भर्ती आई है उसके लिए एग्जामपुर लेकर आया है सारथी बैच क्लासेस शुरू हो चुकी है इसकी और अगर मैं सारथी बैच की बात करती हूं तो कंप्यूटर की क्लास इसमें बीस तारीख से शुरू हो जाएगी डेली क्लासेस रिवीजन ये सारी चीजें आपको इसमें ऑलरेडी मिलेंगी सारथी बैच इसका इसकी फीस है सिक्स नाइन नाइन छह सौ निन्यानवे में सारथी बैच आपको मिलेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की तो राजस्थान के सीटी के लिए प्रभाती बैच को लॉन्च किया गया है प्रभात बैच ये बैच है, जिसकी फीस टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन लगभग तीन हजार रुपए की फीस है जिसमें प्रॉपर क्लासेस आपको मिलेंगे दस मॉडल पेपर बेस्ट कंटेंट मिलेगा एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा चीजें दी जाएंगी और बुक सेट मिलेंगे सबसे अच्छी चीज क्लास तो मिली रही है टीचर्स की जितनी बुक होती है हर एक सब्जेक्ट की बुक भी आपको यहाँ पर इसी में इंक्लूडेड दी जाएगी तीन हजार में बुक भी और टीचर्स के क्लासेस मतलब एप्लीकेशन पे कोर्स भी मिलेगा साथ ही मैं यहां पे बात कर लेती हूं एनवीएस का एनवीएस एनवीएस की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर टीचिंग के लिए आपके सीटेट वगैरह के लिए यहां पर निकली थी पोस्ट पीजीटी और टीजीटी के लिए ये बैच निकाला गया है जिसमें जनरल पेपर सब्जेक्ट अगर कोई एक सब्जेक्ट के लिए ले, लेना चाह रहे हो कॉम्बो बैच लेना चाह रहे हो तो ये सारी चीजें आपको एनवीएस 2022 बैच के अंदर मिल जाएंगी ये टीचिंग के लिए है, जो टीजीटी पीजीटी के लिए तैयार कर रहे हैं ये बैच है ये सारी अलग अलग फीस दे रखी है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बैच ज्वाइन करने के लिए एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर जाकर आप कोई भी बैच परचेस करना है कर सकते हैं चलिए शुरू करते हम अपने आज के सेशन को और आज का हमारा टॉपिक क्या है तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एमएस वर्ल्ड पूरा शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजों को देखेंगे पहले हम एक पॉइंट को लेकर चलेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन क्वेश्चन ही क्वेश्चन ठीक है चलिए शुरू करते हैं सेशन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है पहले समझना उसके बाद लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये क्या है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो एक कंपनी है प्रॉपरली इसके द्वारा बनाई गई है बहुत सारी एप्लीकेशन तो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ऑफिस बनाया इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तो बहुत सारे एप्लीकेशन इसके अंदर यूज किए जाते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर मेनली आते हैं ये तीन एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सल पावर पॉइंट आज हम पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड के बारे में आपको किसी भी प्रकार का दस्तावेज बनाना है आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाना है आप बुक लिखना चाहते हैं हालांकि बुक के लिए तो बहुत सारी चीजें पेज मेकर वगैरह भी आ गया बट नॉर्मली नोट्स बनाने के लिए बुक्स बनाने के लिए मैगजीन्स के लिए कॉलम बनाने के लिए डिजाइनर पोस्टर्स के लिए हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ठीक है थीके? तो मेजरली यहां पर हमें क्या चीज समझ में आती है पॉइंट वाइज करेंगे क्योंकि अगर मैं पूरा लिखवाऊंगी पैराग्राफ तो वो पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा छोटे छोटे पॉइंट और हर एक पॉइंट कवर तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आ जाता है कि वर्ड का इस्तेमाल दस्तावेज को बनाने के लिए किया जाता है सॉरी किसके लिए किया जाता है तो दस्तावेज को बनाने के लिए या अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए दस्तावेज को बनाने के लिए एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर मैं बात करती हूं अगर कमांड पूछी जाए इसके लिए ठीक है अगर कमांड पूछी जाए सपोज कि बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है और आपका माउस हो गया है खराब चल ही नहीं रहा है माउस ने जवाब दे दिया मैं नहीं चलूंगा तो आप कौन सी कमांड का इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं बताना जरा कौन सी कमांड का इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया जा सकता है एक बार सुन लो अप्सरा अप्सरा बिल्कुल भैया आपकी अभी रुक जाओ पहले कुछ टाइम मेरी सुन लो आप ठीक है आपकी तो मैं सुनूंगी बहुत सुनूंगी अच्छे से लेकिन अभी पहले आप मेरी बात सुनोगे ठीक है लास्ट में बता दूंगी बिल्कुल लास्ट में बता दूंगी क्लास स्टार्ट कर दिए बच्चा आप सामने एक बार देखना है आपको पढ़ना है यहां पर साउंड प्रॉब्लम है क्लियर नहीं है साउंड क्लियर है पहले मुझे एक बार बता दो आवाज तो सही आ रही होगी वैसे है ना चलो हम बात कर रहे हैं यहां पर जब कमांड की बारी आती है भाई किस कमांड का इस्तेमाल करें आपका माउस तो काम कर नहीं रहा तो इस्तेमाल किया जाता है विन वर्ड विन वर्ड डॉट ई इस कमांड का इस्तेमाल करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ माउस विन का मतलब होता है कि विंडो में चलाया जा रहा है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्ड का मतलब एमएस वर्ड एप्लीकेशन चला रहे हो ई एक्सी का मतलब इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं एग्जीक्यूट का मतलब होता है आप इसको चलाना चाह रहे हो चलाना चाह रहे हो एमएस वर्ड को इसके अंदर आता है फाइल एक्सटेंशन एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है कैसे पहचाना जाएगा कि यह फाइल एमएस वर्ड की है एमएस वर्ड के फाइल के पीछे डीओसी लिखा रहता है 2007 से पहले डीओसी लिखा रहता था 2007 के बाद और 2007 पर एमएस वर्ड की फाइल के पीछे डॉट डी ओ सी एक्स लिखा जाता है क्यों क्योंकि 2007 में एक सिमिल भाषा को इसके अंदर ऐड किया गया और यहां पर एक्स को लगाया गया इसका मतलब है कि अब ये एमएस वर्ड का एक्सटेंडेड वर्जन है बढ़ा चढ़ा के बनाया गया वर्जन है इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट नेम अगर आप एम एस वर्ड को कोई नाम नहीं दोगे अगर आप एमएस वर्ड को कोई नाम नहीं दोगे सपोज आपने कोई फाइल नेम नहीं दिया आपने एमएस वर्ड में फाइल बनाई और जल्दी जल्दी में ऐसे ही सेव कर दी तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप से क्या नाम ले लेती है तो ये अपने आप से नाम लेती है डॉक्यूमेंट वन ठीक है अपने आप से नाम लेती है डॉक्यूमेंट वन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो पूछी जाती हैं अब हम बात करते हैं और चीजों के बारे में ठीक है यहां पर बात की जाती है बाय डिफॉल्ट हो गया इसके नाम के बारे में अगर हमने बात करी जूम मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम कितना होता है कम से कम कितना जूम आप कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा कितना जूम किया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो कम से कम टेन परसेंट जूम होता है और ज्यादा से ज्यादा चार सौ परसेंट तक का जूम किया जा सकता है फिर हम बात करते हैं इसमें फॉन्ट के साइज के बारे में फॉन्ट के आकार के बारे में फॉन्ट का मतलब होता है अक्षर साइज का मतलब होता है आकार जो एम एस वर्ड की एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन आपको फॉन्ट के साइज का मतलब फॉन्ट का साइज प्रोवाइड करवाती है तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन आपको फॉन्ट का साइज देती है छोटे से छोटा आठ बड़े से बड़ा बहत्तर छोटे से छोटा अक्षर आठ पॉइंट का लिख सकते हो बड़े से बड़ा अक्षर सेवेंटी टू पॉइंट का लिखा जा सकता है और जो मैनुअली मतलब यूजर अपनी तरफ से जो यूजर अपनी तरफ से सेट कर सकता है जो यूजर अपनी तरफ से पॉइंट का साइज सेट करता है वो छोटे से छोटा एक और बड़े से बड़ा सोलह सो छोटे से छोटा एक बड़े से बड़ा सोलह सो लिया जाता है ध्यान से रखना आप कंफ्यूज होते हैं इसमें बहुत सारी चीजों में इसलिए मैं बिल्कुल पूरा आराम से करेंगे ज्यादा जल्दबाजी नहीं है आपको भी नहीं होनी चाहिए आपके जितने क्वेश्चन हैं आप मुझसे एक बजकर चालीस मिनट पर पूछ लेना ठीक है पर उससे पहले नहीं अब हम बात बात करते इसमें और क्या क्या पॉइंट्स पूछे जाते हैं तो जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हो तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है जहां पर भी ये शब्द आता है ना बाय बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है पहले से ही खुद से ही जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है खुद से या पहले से ही क्या सेटिंग इसके अंदर होती है तो पहले से अंदर जो फॉन्ट का साइज होता है वो सेट होता है किस पर ग्यारह पर सेट होता है और जो फॉन्ट का नेम होता है वो कैलिब्री पे सेट होता है वो किस पे सेट होता है कैलिब्री पे सेट होता है ठीक है अगर हम यहां पर बात करते हैं अगर हम यहां पर बात करते हैं एमएस वर्ड के बारे में देखो मैं यहां पर ओपन करके दिखाती हूं थोड़ा सा बस रुकना आज तो मैं सोचू शॉर्टकट की भी इसी के अंदर बता दूंगी आपको बनाकर मैंने वर्ड को ओपन किया ठीक है ये मेरी जो विंडो ये विंडो है मैंने वर्ड को खोला विंडो खुल के आई जो पहले से बने हुए डिजाइन दिख रहे हैं ये टैंपलेट कहलाते हैं ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जिसको मैं खोलूंगी यहां पर आपको दिखाई देगा अभी देखो इसको हम जूम करते हैं खुल जाओ सिम सिंह यहां पर आओ पहले से मैंने अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करी है इसके साथ पहले से यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कैलिब्री बॉडी कैलिब्री मेरे फॉन्ट का नाम है ठीक है उस डिजाइन में लिखा हुआ आएगा और फॉन्ट का आकार है ग्यारह जो कि पहले से दिया हुआ है ऊपर आओ हम पूछते हैं ना हम सोचते हैं कि भाई एग्जामिनर ने कहा से क्वेश्चन निकाल के दिया इसके अंदर कैसे आई बात की क्वेश्चन बना दें तो यहां पे ऑल्ट प्लस क्यू सर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है यही तो देता है आपको एग्जाम में हम एग्जाम में एग्जामिनर का दिमाग नहीं पढ़ पाते भाई देखो उसको कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो बिल्कुल ट्रेंड हो लेकिन हाँ अगर वो एमएस वर्ड चला रहा है तो उसको ये ये नॉलेज होनी चाहिए क्लियर है तो ये तो ये देखो फॉन्ट नेम बाय डिफॉल्ट होता है फॉन्ट का आकार 11 होता है हम बात कर रहे थे इसके सर्च बॉक्स में तो सर्च बॉक्स की की क्या थी शॉर्टकट की सर्च बॉक्स की शॉर्टकट की जो पहले से ही इसके अंदर दे रखी थी वो ऑल्ट प्लस क्यू थी क्लियर है तो ये क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं अच्छा और भी चीजें अभी तो खैर शुरुआत ही करिए हमने अगर जैसा मैंने एमएस वर्ड की विंडो आप लोगों को दिखाई अगर मैं सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो यहां पर बनाऊं तो आप देखो उसके अंदर कितनी चीजें यहां पर पता चलेंगी यहां पर मैंने ये एमएस वर्ड की विंडो बनाई ठीक है सपोज ये क्या हो जाएगी तो ये एमएस वर्ड की विंडो हो जाएगी सबसे ऊपर वाले बार को कहा जाता है टाइटल बार क्योंकि यहां पर टाइटल होता है उसके नीचे वाले बार को कहा जाता है मेन्यू बार क्योंकि यहां पर मेन्यू आता है उसके नीचे आप कहोगे मैम टूल बार कहां चला गया तो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अपडेट वर्जन आया तो वहां पर टूल बार नहीं होती ना स्टैंडर्ड टूल बार होगा ना मेन्यू टू वो आ, आपका फॉर्मेटेड टूल बार होगा क्योंकि मेन्यू बार को ओपन करते के साथ ही टूल बार खुद खुल जाता है तो वो कनेक्ट हो गया किससे मेन्यू बार से चाहो तो लिख सकते हो मेन्यू बार के बाद यहां पर टूल बार आ जाता है जैसे जैसे ओपन करोगे ओपन करता चला जाएगा साइड में आता है साइड बार पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए सबसे नीचे आता है आपका स्टेटस स्टेटस बार जो स्टेटस बताता है कि आपने कितने डॉक्यूमेंट पर काम किया या कितने पेज पर बीच में होता है ये पेज अपना बीच में कहीं तो लिखोगे अगर एमएस वर्ड ओपन किया है तो बीच में ये अपना पेज आ जाता है इसको मैं छोटू बनाऊंगी ठीक है चलो अब यहां पर कुछ चीजें मैं बताऊंगी उसका ध्यान देना विशेष तौर पर सबसे ऊपर मैंने आपको बताया सबसे ऊपर होता है अपना टाइटल बार टाइटल बार के नीचे आता है अपना मेन्यू बार मेन्यू बार की ही मदद से ओपन होता है अपना टूल बार उसके बाद यहां पे जहां पे पता होता है कि भाई इतनी जगह लिखना है पेज में ये नहीं कि पूरा यहां से लिखना शुरू कर दो आप कुछ भी चीजें पेज में कितनी जगह लिखना है उसको बताने के लिए इसको हम बोला हम बोलते हैं स्केल बार ये मेजर करता है केवल इतनी जगह ही इस्तेमाल करनी है लिखने के लिए साइड में ये होता है आपका पेज को ऊपर नीचे करने वाला इसको स्क्रॉल भी कहते हैं और इसको साइड बार भी कहा जाता है स्क्रॉल एंड साइड बार सबसे नीचे वाला बार कहलाता है स्टेटस बार सबसे नीचे वाला बार कहलाता है स्टेटस बार अब मैम क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके ऊपर तो केवल इस वाली आकृति से अगर पूरा ध्यान मैं से बता रही हूं अगर आप मुश्किल से पांच से दस मिनट केवल इस पूरे डायग्राम को समझ लो ना तो तीन क्वेश्चन से पक्के हो जाएंगे आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये सबसे पहले तो नोट करो कि ये एमएस वर्ड का विंडो है ठीक है एमएस वर्ड के विंडो में सबसे ऊपर टाइटल बार आता है बाय ये क्या नाम लेता है डॉक्यूमेंट वन और एक नाम की फाइल एक, एक एप्लीकेशन में एक बार ही बन सकती है अगर पहली फाइल डॉक्यूमेंट वन से सेव हो गई तो दूसरी फाइल के लिए डॉक्यूमेंट टू आता है तीसरी फाइल के लिए डॉक्यूमेंट थ्री आएगा हमेशा फाइल नेम एक एप्लीकेशन में एक ही हो सकता है सेम नाम की दो फाइल किसी भी एप्लीकेशन में नहीं बनाई जा सकती ठीक है टाइटल बार के लेफ्ट साइड यहां पर विंडो बटन होता है जिसको कहा जाता है ऑफिस बटन इस ऑफिस बटन में ऑप्शन होते हैं सेव करने का ओपन करने का फाइल का एडिट करने का तो ये सारे ऑप्शन ऑफिस बटन में होते हैं ऑफिस बटन के राइट right साइड यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन होता है रिडू और अंडू करने का भी ऑप्शन होता है रिडू और अंडू करने का भी ऑप्शन होता, होता है इसके बाद अगर मैं बात आ, मतलब बात करती हूं राइट right साइड की टाइटल बार के राइट right साइड तीन कंट्रोल बटन होते हैं मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्रॉस क्लियर है किसी विंडो को छोटा मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की पूछा गया था एग्जाम में अभी बताना मुझे अब दिलाना ये सारी चीजें किसी विंडो को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की होती है विंडो के बटन के साथ एम को दबा देते हैं चाहो तो लिख लेना ठीक है किसी भी विंडो को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की मिनिमाइज का मतलब क्या होता है छोटा करने की शॉर्टकट की होती है विंडो वाले बटन के साथ ये वाला बटन होता है विंडो का बटन विंडो वाले बटन के साथ एम को दबा देना विंडो छुटकी होके नीचे आ जाएगी टास्क बार में क्लियर तो उन तीनों को क्या कहा जाता है इन तीनों को कहा जाता है कंट्रोल बटन कंट्रोल उदय कंट्रोल क्या कहा जाएगा इन तीनों को कंट्रोल बटन कहा जाता है अब आ जाओ थोड़ा सा नीचे मेन्यू बार मेन्यू बार जहां पर सारा मेन्यू ही मेन्यू है देखो यहां पर देखोगे ये मेन्यू बार दिखाई देगा आपको इधर देखो फाइल है होम इंसर्ट ड्रॉ डिजाइन लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू रिव्यू रिव, व्यू हेल्प ये सारे आपके क्या कहलाते हैं तो ये सारे आपके कहलाते हैं मेन्यू बार ठीक है मेन्यू बार के एलिमेंट्स लिखना यहां पे कौन कौन से हैं होम इंसर्ट होम इंसर्ट लेआउट लेआउट डिजाइन रेफरेंस रिव्यू व्यू और हेल्प तो ये सारे आपके मेन्यू के अंदर आते हैं मेन्यू बार के अंदर बाय डिफॉल्ट मैंने आपको ही दिया कि जो फॉन्ट का साइज होता है फॉन्ट का जो आकार होता है वो ग्यारह होता है और जो फॉन्ट जिस स्टाइल में आप लिखते हो वो कैलिब्री होता है तो ये मैं पहली बता चुकी हूं ठीक है कैलिब्री भी एक एल लगाना भाई कैसा होता है कैलिब्री स्टाइल में होता है क्लियर है अब आते हैं हम इसके पेज पर हम जहां पर लिखते हैं एमएस वर्ड में उस जगह को पेज कहा जाता है क्लियर है अच्छा अब एक और चीज इसके अंदर देखना नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल किया जाता है नए दस्तावेज को बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल किया जाता है जो पेज होता है उस पेज का डायमेंशन पूछा जाता है कई बार पेज का डायमेंशन कितना होता है तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पहली बार तो ये पेज लेटर साइज का होता है पेज कौन से साइज का होता है ए फोर शीट नहीं होता है लेटर साइज का होता है इसका डायमेंशन कितना होता है तो इसका डायमेंशन होता है ग्यारह बाय 8.5 पांच इंच इसका डायमेंशन होता है इसमें जगह छोड़ी जाती है साइड में और ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो जगह छोड़ी जाती है वो बाय डिफॉल्ट होती है डेढ़ पॉइंट की वन पॉइंट फाइव दशमलव की और लेफ्ट और राइट में जो जगह छोड़ी जाती है वो होती है वन पॉइंट की एक एक इंच की जो अपने आप बाय डिफॉल्ट पहले से ही छोड़ी गई है क्लियर है अब इसके अंदर जो लिखना है लिखो राम कहानी अब हम बात करते हैं नीचे स्टेटस बार के अंदर आपने कितने पेज लिए पेज वन ऑफ फाइव सपोज पांच पेज पांच पेज आपने बनाए उसमें पहले पेज पे काम कर रहे हो तो वो दिखा देता है भाई कहां पर काम किया जा रहा है यहां पर आपका मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम आता है मिनिमम जूम टेन परसेंट मैक्सिमम जूम चार सौ परसेंट और बाय डिफॉल्ट ये सेट होता है हंड्रेड परसेंट क्लियर है तो ये तो रही बात अगर मैं बात करती हूं केवल एमएस वर्ड के बारे में तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है क्लियर है क्या चीज कितनी होती है बताओ क्लियर आगे चलिए अब देखें यहां पे और कौन कौन से पॉइंट की बात की जाएगी अरे बात बाद में कर लेना आप लोग पढ़ो ये चीजें इंपॉर्टेंट है एवरीथिंग थिंग ऑलराइट क्लास सही चल रही है मिनट 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 अच्छा जो बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उनको क्लास दिखाई दे रही है बता दो बस मुझे एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स यूट्यूब पे तो चली रही है जो बच्चे सेशन को एप्लीकेशन पे देख रहे हैं क्या आपको दिखाई दे रही है क्लास दिखाई दे रही है चलो तो हम बात कर रहे थे इस पूरे के पूरे विंडो के बारे में अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से आते हैं या क्या क्या चीजें पूछी जाती है सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है आपसे पूछ लेगा कि भाई वर्ड रैप किसे कहते हैं एमएस वर्ड के शब्दावली में आपको बताना है कि वर्ड रैप किसे कहा जाता है आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉप ड्रॉप कैप किसे कहते हैं आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉप कैप किसे कहा जाता है आपसे यह भी पूछ सकता है कि फॉन्ट के स्टाइल और फॉन्ट के इफेक्ट में क्या अंतर है फॉन्ट के स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं तो बहुत चीजें पूछी जा सकती है आते हम यहां पर वर्ड रैप के अंदर वर्ड रैप किसे कहते हैं जब जब पेज पर जब पेज पर लिखते समय जब पेज पर लिखते समय अपने आप से जब पेज पर लिखते समय अपने आप से कर्सर एक लाइन से दूसरी लाइन पर आ जाता है एक लाइन से दूसरी लाइन पर आ जाता है तो उसे वर्ड रैप फीचर कहा जाता है एक लाइन से दूसरी लाइन पर आ जाता है तो उसे वर्ड रैप फीचर कहा जाता है मतलब ये मेरे पास था डॉक्यूमेंट मतलब मैं लिख रही हूं यहां पर पेज है जब मैंने यहां से लिखना शुरू किया तो क्या मैं लिखते 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 भटिंगा आगरा सब जगह घूमकर आ जाऊंगी नहीं ना जब मैं लिखूंगी तो एक समय आएगा जब पेज खत्म हो जाएगा तो मेरा कर्सर अपने आप दूसरी लाइन पे आ गया ना ही मैंने एंटर दबाया ना ही मैंने स्पेस दबाया अपने आप मेरा कर्सर दूसरी लाइन पे आ गया फिर तीसरी लाइन पे आ जाएगा तो इसी फीचर को वर्ड रैप कहा जाता है क्लियर है अब आते हैं ड्रॉप कैप पे ड्रॉप को आप ऐसे याद रख सकते हो पानी की बूंद थोड़ी बड़ी साइज की होती है ना जब वो ऐसे टपकती है टप टप तो पानी की बूंद से याद रख सकते हो ड्रॉप कैप का मतलब होता है जब किसी भी लाइन का पहला अक्षर बड़ा बड़ा हो जब किसी भी लाइन का पहला अक्षर बड़ा होता है आप अखबार पढ़ते हो कभी ना कभी मैगजीन से अखबार आपने पढ़ी होंगी उसमें पहला अक्षर देते हैं बड़ा आज की ताजा खबर नेपाल में गोलगप्पों पर बैन लगा दिया बीमारी फैल रही थी लिटरली कई जगह ऐसे गोलगप्पे देते हैं जिसको अगर आप देख लोगे ना कि वो बनाए कैसे जाते हैं गोलगप्पे का पानी बनाया कैसे जाता है तो भरोसा उठ जाएगा गोलगप्पो में से ठीक है तो नेपाल ने इसी को देखते हुए वहां के गोलगप्पे कर दिए बैन तो कोई भी खबर ले लो तो उसमें देखते हो आप पहला अक्षर तो बड़ा होता है उसके आगे छोटी छोटी लाइनें लिखी होती है इसी फीचर को कहा जाता है ड्रॉप कैद अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है लिख सकते हो यहां पर अः किसी लाइन के पहले अक्षर का बड़ा होना किसी लाइन के केवल पहले अक्षर का बड़ा होना केवल पहले अक्षर का बड़ा होना केवल पहले अक्षर का बड़ा होना और बाकी सबका छोटा होना और बाकी सब का और बाकी सबका छोटा होना यह क्या कहलाता है तो यही आपका ड्रॉप कैप कहलाता है यहां पर फॉन्ट स्टाइल अगले पेज पे कर लेंगे यहां पर याद रखना कि ड्रॉप कैप में कम से कम कम से कम एक बड़े अक्षर में तीन लाइन आप लिख सकते हो एक बड़ा अक्षर है उसके सामने तीन लाइन लिखी जा सकती हैं और ज्यादा से ज्यादा दस लाइनें एक बड़े अक्षर के सामने लिखी जा सकती हैं तो ज्यादा से ज्यादा दस लाइनें कम से कम तीन लाइनें क्लियर है आगे चलें हाँ फाइव हंड्रेड करना फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड लिखवा दिया मैंने उसको करेक्ट कर लेना भाई ठीक है की बात करते हैं पे आ जाओ ये 400 मैंने क्या, का सोच के लिखवा दिया इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना पांच सौ होगा थैंक यू भाई जिसने बताया नहीं तो ये तो पूरा नोट भी बन जाता आपका और याद भी हो जाता तो और गड़बड़ पांच सौ होता है एमएस वर्ड में पांच परसेंट मैक्सिमम जूम होता है बाकी एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल में चार सौ परसेंट होता है इसको पांच सो कर लेना ठीक है ये चार सौ गलती से लिखा गया इसको कर लो सही ठीक है भूल जाओ जो भी अगर आपने याद कर लिया हो तो देखो तीन चीजें होती है मैं आपको यहीं पर क्लियर करवा देती हूं तीन चीजें होती है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक होता है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भाई मैंने लिखवाया वो गलती से याद हो गया होगा किसी को तो मेरी जिम्मेदारी है उसको हटाऊं आपके दिमाग से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर मैं बात करती हूं इसका मिनिमम जूम टेन परसेंट होता है और मैक्सिमम पांच सौ परसेंट होता है एमएस एक्सेल की अगर मैं बात करती हूं तो मिनिमम जूम टेन होता है और मैक्सिमम चार होता है पावर पॉइंट की बात करते हैं मिनिमम दस परसेंट होता है और मैक्सिमम चार सौ परसेंट होता है इसको करेक्ट कर लेना पांच में परसेंट होता है बाकी दोनों में चार सौ चार सौ परसेंट होता है क्लियर निकल गई वो बात पुरानी वाली आ जाओ हम कहां पर थे ड्रॉप कैप की बात कर रहे थे तो पता चल गया ड्रॉप कैप के बारे में भी आपको और इसके अंदर क्या पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है फॉन्ट के स्टाइल के बारे में फॉन्ट के स्टाइल में और फॉन्ट के इफेक्ट में क्या अंतर होता है एक होता है फॉन्ट का स्टाइल और एक होता है फॉन्ट का इफेक्ट दोनों में क्या अंतर होता है तो देखो फॉन्ट का स्टाइल फॉन्ट के प्रभाव फॉन्ट के स्टाइल में आ जाता है रेगुलर अगर कोई चीज नॉर्मल तरीके से आप लिख रहे हो तो बोल्ड अगर किसी चीज को डार्क डार्क लिख रहे हो तो इटैलिक अगर आप तिरछा किसी चीज को तिरछा लिखते हैं तो बोल्ड का मतलब हो जाएगा किसी चीज को डार्क लिखना रेगुलर का मतलब हो जाएगा नॉर्मल अगर किसी चीज को लिखते हो बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस किसका इस्तेमाल किया जाता है बी का इस्तेमाल किया जाता है आई के लिए कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल किया जाता है अब आते हैं हम फॉन्ट के इफेक्ट पे फॉन्ट के फैक्ट होते हैं आपके सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट फॉन्ट के फैक्ट होते हैं आपके सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों की शॉर्टकट की क्या होती है सुपर स्क्रिप्ट सुपरमैन कहा उड़ेगा सुपरमैन सुरंग खोद के अंदर नहीं जाता सुपरमैन उड़ेगा ऊपर हवा में तो जब आप किसी एक नंबर के ऊपर कोई नंबर लिखते हो तो वो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर काउंट होता है इसकी शॉर्टकट की होती है क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर का साइन कंट्रोल शिफ्ट और बराबर का साइन सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जब आप किसी एक नंबर के नीचे कोई नंबर लिखते हैं तो वो सब स्क्रिप्ट के अंदर आता है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल के साथ बराबर का साइन ठीक है हाँ बिल्कुल बराबर का साइन और प्लस का साइन दोनों एक ही बटन पे होता है पहली बार दबाओगे तो बराबर का साइन आएगा शिफ्ट के साथ दबाओगे तो प्लस का साइन आता है ठीक है तो ये हो गया फॉन्ट का इफेक्ट और क्या क्या पूछता है आपसे पूछता है गटर मार्जिन किसे कहा जाता है वॉट इज गटर मार्जिन गटर मार्जिन किसे कहा जाता है एम एस वर्ड के अंदर गटर मार्जिन से क्या तात्पर्य है? बताओ जरा एक बार फटा गटर मार्जिन किसे कहा जाता है तो बाइंडिंग करने के लिए जो पेज के किनारे जगह छोड़ी जाती है सपोज मैंने एक बुक बनाई ठीक है कंप्यूटर की कंप्यूटर की बुक बनाने के बाद मुझे पता है जब मैं पेज प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे बाद में इसको बाइंडिंग करवानी पड़ेगी अब मेरी लिखी हुई चीजें पेज के कोने में ना आ जाए कि जब बाइंडिंग हो जाए तो मुझे ऐसे देखना पड़े कोने में अच्छा ये अक्षर लिखा हुआ है तो इसलिए पहले ही प्रिंट करवाने से पहले ही एक जगह लेफ्ट में छोड़ दी जाती है वही आपकी गटर मार्जिन कहलाती है क्लियर है तो बाइंडिंग के लिए बाइंडिंग के लिए बाइंडिंग के लिए छोड़े गए स्पेस को बाइंडिंग के लिए छोड़े गए स्पेस को या बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को क्या करता है ये? तो बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को गटर मार्जिन कहा जाता है क्या कहा जाता है तो गटर मार्जिन कहा जाता है आगे चलते हैं नेक्स्ट और भी चीजें देखेंगे यहां पे फिर हम बात करते हैं किसके बारे में तो गटर मार्जिन हो गया यहां पर फिर आता है आपका पेज पैराग्राफ पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट एमएस वर्ड में कितने प्रकार के होते हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है पैराग्राफ अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जब आप एमएस वर्ड में कुछ लिख रहे हो तो एक पेपर में कितनी जगह लिख सकते हो बीच में लेफ्ट में राइट में या जहां मन करे वहां लिखो भाई तो पैराग्राफ अलाइनमेंट बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये वन प्लस थ्री तरीके के होते हैं पहला तो जस्टिफाई वाला तरीका है भाई अगर कुछ भी सेट नहीं करोगे तो वो अपने आप एक लाइन के नीचे एक लाइन लिखा जाएगा बाकी तीन होते हैं लेफ्ट साइड आप पेपर पे लिख सकते हो बीचो बीच पेपर के लिखा जा सकता है और केवल राइट साइड भी पेपर के लिख सकते हैं तो कुल मिलाकर ये चार पैराग्राफ अलाइनमेंट होते हैं जब आप कुछ भी सेट नहीं करोगे सपोज आपने नॉर्मली टाइप करना स्टार्ट कर दिया तो वो जस्टिफाई कहलाता है कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट के लिए एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन का आना फिर मैं बात करती हूं कंट्रोल प्लस एल अगर आप सारी चीजें पेज के लेफ्ट साइड लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं एक होता है कंट्रोल प्लस आर राइट साइड अगर आप पेज के सारी चीजें राइट साइड लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं एक होता है सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई अगर आप पेज के बीचों बीच कुछ लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल होगा जैसे हिंदी में दोहे होते हैं जैसे इंग्लिश में पोयम आती है तो ये कुछ उस तरीके के हो जाते हैं ठीक है आगे चलो नेक्स्ट पेज लेआउट के बारे में बताओ मुझे एमएस वर्ड का पेज लेआउट कैसा होता है एमएस वर्ड का पेज लेआउट कैसा होता है पेज लेआउट का मतलब पेज किस आकार का होता है पेज का जो आकार होता है वो कौन सा होता है तो ये होता है पोर्ट्रेट मोड का पेज का आकार कैसा होता है तो ये होता है पोर्ट्रेट मोड का इसमें क्या होती है चौड़ाई कम होती है लंबाई ज्यादा होती है इसी को तो लेटर पेज साइज बोलते हैं ये पोर्ट्रेट मोड कहलाता है क्लियर है अच्छा और चीजें क्या पूछ सकता है थोड़ा याद दिलाओ भाई बाकी तो मैं सारी चीजें टू जेड बता रही हूं यहां पर और क्या क्या पूछ सकता है आपसे आपसे पूछ सकता है कि जब आप एमएस वर्ड में काम करते हो तो स्पेलिंग को चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है स्पेलिंग को चेक करने की शॉर्टकट की भाई कोई वर्तनी में त्रुटि तो नहीं है सपोज आपने पूरी रामायण लिख दी अच्छे से आपने नोट्स बना लिए बाद में पता चला कि इसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक है एक इसके अंदर फीचर होता है थियोसॉर्स का थियोसॉर्स का फीचर क्या होता है इसके अंदर क्या काम हो सकता है और इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है बताइए जरा शॉर्टकट की फिर सारी शॉर्टकट की भी याद करेंगे यहां हां जी क्लास डेली होती है डेली क्लास होती है दोपहर एक बजे आज स्पेशल है डेफिनेटली तो इसलिए क्लास आज आपकी हो रही है बारह बजे करिए जरा फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर करिए जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चा सेशन चल रही है क्लास सारी चल रही है एफ सेवन और कंट्रोल प्लस एफ सेवन देखा जाए करके मैं कोशिश कर रही हूं कीबोर्ड मैंने मंगवाया तो है कीबोर्ड आ जाएगा तो मैं यहां पर आपको प्रैक्टिकल भी करके बता दूंगी एक मिनट कीबोर्ड के लिए मैंने मैसेज किया तो है देखो कीबोर्ड आते के साथ ही मैं इसको प्रैक्टिकल भी बता दूंगी ठीक है ओके ओके ठीक है चलो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो फंक्शन एफ सेवन को दबाओगे स्पेलिंग चेक हो जाएगी थियोसॉर्स होती है सिनोनियम जो भी अक्षर है अगर आप उसके सिनोनियम या समान अर्थ के समानार्थक समान अर्थ के शब्द ढूंढना चाहते हैं तो थियोसोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है इसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ एफ याद रखना शिफ्ट के साथ एफ सेवन सपोज करो मैंने कोई एक कोई भी एक शब्द लिया मैंने एक शब्द लिया ऑडा सिटी अब मैं चाहती हूं कि भाई इससे मिलता जुलता कोई अक्षर आ जाए क्योंकि ये बहुत भारी भरकम अक्षर है तो मैं इसके लिए जब जैसे ही इस पर क्लिक करके शिफ्ट प्लस एफ सेवन करूंगी तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी कि मैं ऑडेसिटी को और क्या क्या बोल सकती हूँ फिर मुझे जो भी अक्षर अच्छा लगेगा मैं उसको पिक करके यहाँ पर दिखा दूंगी बोल्ड होता है ऑडेसिटी का मतलब आगे चलते हैं नेक्स्ट और चीजें देखो और क्या क्या पूछता है इसके अंदर और इसके अंदर अब शॉर्टकट की आ जाती जा 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 हैं पहले हम देख लेते हैं कंट्रोल के साथ जितनी शॉर्टकट की बनती है फिर आगे की और भी शॉर्टकट की के बारे में यहां पर चीजें देख लेंगे ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं एमएस वर्ड में इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट की कौन कौन सी होती है एमएस वर्ड में इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट की जो कंट्रोल की बनती है ए टू जेड मैंने आपको कई बार समझाया है और इस बार भी आप समझोगे और पूरा क्लास में ही याद कर लोगे कंट्रोल के साथ अगर मैं बात करती हूँ तो कंट्रोल के साथ ए आ जाएगा बी है सी डी ई एफ जी एच क्लियर है चलो ये सारी की सारी शॉर्टकट की आ जाएंगी किसके साथ कंट्रोल के साथ चलिए जी तो यहां पे अगर मैं बात कर लेती हूं यहां पे अगर मैं बात कर लेती हूं इसकी कॉपी कर दू ना मैं क्योंकि अब तो बहुत जेड तक करवानी है ना मुझे चलो अब कर लेते हैं कंट्रोल कंट्रोल ए जिसका पता है उसका बताते चले जाना ठीक है जिसके बारे में पता है उसका बताते चले जाओ कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल किया जाता है सेलेक्ट ऑल जितनी भी चीजें लिखी हुई है आपके पेज पे उन सभी चीजों को चयनित करने के लिए जितनी भी चीजें पेपर पे लिखी हुई है पेज पे लिखी हुई है उन सबको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी बोर्ड डार्क करने के लिए कंट्रोल प्लस डी कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस डी डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए अब बारी आती है कि मैम ये डायलॉग बॉक्स क्या होता है हमने बहुत बार सुन लिया पर ये होता क्या है आज दिखाई दो इसे तो रुको जाओ पहले मैं ना एक बार इसका निकाल लेती हूं यहां पे की और उसके बाद में आप दिखा देती हूँ ये इधर उधर सिस्टम ना हिल जाए डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या होता है ये बॉक्स ओपन होकर आता है इसके अंदर होती हैं सारी फॉन्ट की चीजें भाई अगर मेरे को बोल्ड करना है तो बोल्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा इटैलिक हो जाएगा अंडरलाइन हो जाएगा फॉन्ट का आकार छोटा बड़ा करना है वो सारी चीजें दिखा देगा तो कंट्रोल प्लस डी डायलॉग बॉक्स फॉन्ट वाली चीजों को ओपन करके दिखाता है कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट पेज के बीचों बीच अगर सारी चीजें लिखना चाहते हो पेज के बीच में सारी चीजों को लिखने के लिए कंट्रोल प्लस ई हो जाएगा कंट्रोल प्लस एप फाइंड ढूंढने के लिए किसी डेटा को ढूंढना है अगर पूरे दस्तावेज में कंट्रोल प्लस जी गो टू किसी स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक शब्द के पास अगर जाना है किसी स्पेसिफिक शब्द के पास अगर जाना है कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस के लिए होता है रिप्लेस एक शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए मूवी नहीं थी कौन सी मूवी थी जिसमें दो शब्दों को बदल दिया गया था तो एक शब्द को दूसरे शब्द से एक शब्द को दूसरे शब्द से एक शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस एच का आगे चलते हैं नेक्स्ट एच के बाद आ जाएगा क्या आई जे के एल एम एन ओ पी चलो चेक कर लेते हैं अब इन सबके बारे में कंट्रोल प्लस आई इटैलिक अक्षरों को तिरछा लिखने के लिए अक्षरों को तिरछा लिखने के लिए कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई मैंने भी बताया था इसके बारे में एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन के लिए कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए हाइपर लिंक क्या होती है एक पेज पर क्लिक करो दूसरे पेज पर खुद पहुंच जाओगे कंट्रोल प्लस ए लेफ्ट अलाइमेंट सारी चीजों को अगर आप पेज के लेफ्ट साइड लिखना चाहते हो पेज के लेफ्ट साइज चीजों को लिखने के लिए कंट्रोल प्लस एम इंडेंट के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है पूछा जाता है क्या होता है इंडेंट इंडेंट होता है जगह स्पेस स्पेस जगह बनाने के लिए दो लाइनों के बीच में जगह बनाना लाइन स्पेसिंग कहलाती है दो लाइनों के बीच में जगह बनाना लाइन स्पेसिंग कहलाती है कंट्रोल प्लस एन नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ ओपन करने के लिए जो पहले से डॉक्यूमेंट बने हैं उनको खोलने के लिए कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए अच्छा प्रिंट प्रिव्यू के लिए क्या होता है पता है आपको वॉइस नहीं आ रही है बच्चा वॉइस आ रही है देखो शैतानी नहीं करना ठीक है क्योंकि अगर आप शैतानी करोगे उसमें पांच छह मिनट जो होंगे वो आपके वेस्ट होंगे मेरा कुछ नहीं वेस्ट होगा लेकिन आपके वो पांच छह मिनट में वो ऐसी चीज में बता सकती हूँ जिस जो आ जाए पेपर में ना तो इसलिए बिल्कुल भी शैतानी नहीं केवल पढ़ने पर ध्यान लगाओ हम बात कर रहे हैं यहां पर कंट्रोल प्लस पी के बारे में प्रिंट होता है अच्छा प्रिव्यू के बारे में पूछ रही थी मैं प्रिंट प्रिव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है बताना जरा एक बार फटाफट से प्रिंट प्रिव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है कोई बताएगा हाँ, कंट्रोल के साथ होती है बताओ तो सही तभी तो मैं बताऊंगी कि सही है या नहीं है प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है बताइए जरा फटाफट से आना तो स्टार्ट हो चुका है भाई कंट्रोल प्लस पी तो होती है प्रिंट प्रिव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है विंडो के अंदर ये नॉर्मली अगर हम करते हैं तो प्रिंट प्रिव्यू लिख सकते हो आप यहां पर प्रिंट प्रीव्यू कोई भी चीज छपने से पहले अगर देखनी है तो कंट्रोल प्लस एफ टू कर देना वो दिख जाती है ठीक है आगे चलते हैं कंट्रोल प्लस कहां तक हो गया था P तक हो गया था फिर आता है आपका क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स चलो क्यू का इस्तेमाल किया जाता है कोई अगर किसी भी प्रोग्राम को छोड़कर बाहर निकलना है प्रोग्राम को छोड़कर बाहर निकलने के लिए क्यों का इस्तेमाल किया जाता है क्विट छोड़ दो यहीं पर निकल लो बाहर कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट अगर आप पेज के राइट right साइड सारी चीजें लिखना चाहते हो कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए अगर आप डेटा को संग्रहित करके रखना चाहते हैं सेव करके रखना चाहते हैं कंट्रोल प्लस टी टेबल के लिए टेबल में याद रखना कि एमएस वर्ड में जो टेबल बनाई जाती है उसमें कम से कम एक रो और एक कॉलम ली जा सकती है मिनिमम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा की अगर वो बात करता है मैक्सिमम अधिकतम तो रो तो आप अनलिमिटेड ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा लेकिन कॉलम केवल 63 ही लिया जाता है ठीक है चलो आगे कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन अगर अंडरलाइन करनी आपको किसी भी लाइन के नीचे इसी के साथ बताओ मुझे डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी डबल अंडरलाइन के लिए अगर आप किसी एक शब्द के नीचे दो बार अंडरलाइन करना चाहते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या होती है यह कुछ एक्स्ट्रा होती है साथ में आपको याद करनी जरूरी है कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किसी भी विंडो को या किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए बंद करने के लिए उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए वो डेटा चला जाएगा हट जाएगा केवल उसकी ओरिजिनल कॉपी रहेगी उस डेटा की केवल और केवल ओरिजिनल कॉपी रहेगी कंट्रोल प्लस एक्स हो गया बस क्या आ जाएगा वाई जेड आ जाएगा बस ये दो और बच गए बाकी तो यहां पर होते हैं खत्म इसको हटा दो कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल होता है रीडू करने के लिए किसी भी काम को अगेन किसी भी काम को अगेन रिपीट करने के लिए दोहराने के लिए और कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल किया जाता है अंडू के लिए पिछले काम पर जाने के लिए पिछले काम पर या ऐसा लिख सकते हो प्रीवियस काम पर जाने के लिए पहले वाले काम पर जाने के लिए क्लियर है मुझे यह बताओ कि अंडू और रिडू कितने बार किए जा सकते हैं अंडू और रिडू को कितने बार कितने बार कितने बार यूज किया जा सकता है कितने एक्शन कर सकते हैं क्या मैं पचास बार अंडू रिडू कर सकती हूँ सौ बार अंडू रिडू कर सकती हूं दो सौ बार अंडू रिडू कर सकती हूं या अनलिमिटेड जितने बार चाहूं उतने पीछे जा सकती हूं और उतने आगे आ सकती हूं या अनलिमिटेड बार अंडू या रिडू किया जा सकता है बताइए जरा इसका भी और डबल अंडरलाइन पूछी थी मैंने पहले उसके बारे में भी अरे थैंक यू सो मच बच्चा चलिए करिए जरा बनापट सिंह अभी तो मेरी आवाज ऐसी हो गई है खलनायक की जैसी नहीं थोड़ी भारी भारी सी हो गई है चलिए अरे पढ़ लो बाद में ये सब चीजें कर लेना पढ़ लो ठीक है सो बिल्कुल करेक्ट है तो बार हम अंडू या रिडू कर सकते हैं कितने टाइम्स कर सकते हैं तो हंड्रेड बार, बार या जा सकता है क्लियर है एक और मैंने क्वेश्चन बताना एक बार मैंने पूछा था डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ अगर आप डी को दबाओगे थोड़ा आगे लिख देते हूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी इन तीनों को एक साथ दबाओगे तो डबल अंडरलाइन आ जाएगी किसी भी शब्द के नीचे दो बार अंडरलाइन बनकर आ जाती है तो ये तो हो गई आपकी वो शॉर्टकट की जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इसके अलावा और भी क्या कोई शॉर्टकट की होती है एमएस वर्ड में बहुत सारी होती है भाई इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होती है एमएस वर्ड में तो आपसे पूछा जाता है कि पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है पेज ब्रेक का मतलब होता है एक पेज से नए पेज में जाने के लिए एक पेज से नए पेज पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है एक और क्वेश्चन पूछता है लाइन को ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए एक लाइन से दूसरी लाइन नई लाइन में एक लाइन से नई लाइन में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है तो पेज को ब्रेक करने के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस एंटर कंट्रोल प्लस एंटर का और लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है शिफ्ट के साथ एंटर का कंट्रोल कंट्रोल सा, uh, के साथ एंटर किसके लिए यूज होगा पेज को तोड़ने के लिए पेज को कैसे तोड़ेंगे भैया ईटा लेके थोड़े ना तोड़ना है पेज को तोड़ने का मतलब आपने एक लाइन लिखी यहां पर खत्म हो गई अब आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है उसके लिए दूसरा पेज चाहिए तो वो पेज ब्रेक कहलाता है और अगर आप एक ही पेज में कुछ लिख रहे हो यहां पर लाइन खत्म अब आपको दूसरी लाइन पर आना है तो बिना एंटर दबाए आप इससे भी एक लाइन से दूसरी लाइन पर आ सकते हो क्लियर है चले आगे चलो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एक पूरे एक पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए एक पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए कितने बार कितने बार कितने बार लेफ्ट या राइट क्लिक करना पड़ता है कितने बार लेफ्ट या राइट right क्लिक करना पड़ता है ऑप्शन ले लेना दो बार लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा माउस पे तीन बार राइट right क्लिक करना पड़ेगा माउस पे दो बार राइट right क्लिक करना पड़ेगा माउस पे या तीन बार लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा माउस पे बताना जरा अगर आप एम एस वर्ड में पूरे के पूरे एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनमें से क्या काम करोगे जो बच्चे पेपर देखते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन चल रहे थे तो उनको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं ठीक है अब यहां पर बताओ पूरे पैराग्राफ को एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो तीन बार लेफ्ट क्लिक किया जाता है अगर आप एक बार अब यहां पर समझना जब हम पढ़ ही रहे हैं इसके बारे में तो अगर आप एक बार लेफ्ट क्लिक करते हो तो उससे कुछ नहीं होता ठीक है अगर आप दो बार लेफ्ट क्लिक करते हो तो कोई भी प्रोग्राम खुल जाता है किसी भी आइकन को किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए दो बार लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है एक बार लेफ्ट क्लिक से आप मूव कर सकते हो उसको उठा लो जो भी आपका आइकन है उसको मूव कर सकते हो इधर से उठाकर इधर पटको उधर से उठाकर इधर पटको उसी को ड्रैगिंग कहते हैं अगर मैं एक बार राइट क्लिक को दबा दूं तो उससे क्या होगा उससे मैं उस आइकन की प्रॉपर्टी पर पहुंच जाऊंगी प्रॉपर्टी का मतलब खरीदूंगी नहीं कितने बीघा की जमीन है प्रॉपर्टी का मतलब होता है मुझे उसकी डिटेल पता चल जाएंगी सपोज मैंने कोई फाइल पर जाकर एक राइट क्लिक करा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे प्रॉपर्टी के भी उसकी डिटेल कितने एमबी का है क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें मुझे पता चल जाएंगी क्लियर है इसके बाद आते हैं चार ऐसी शॉर्टकट की जो हमेशा आपको कंफ्यूज करती है क्या आप पहचान चुके हो कि मैं किसकी बात कर रही हूं चार ऐसी शॉर्टकट की जो आपको बहुत परेशान करती है और मैंने इसकी ट्रिक बताई थी जिसको याद है बताना जिसको याद नहीं है वो भी कोशिश करना याद करने की एक एंटर होता है एक कंट्रोल प्लस एंटर होता है और ये आती आती है चाहे वो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे एक होता है एंड और एक होता है कंट्रोल एंटर नहीं वो करना होम करो एक होती है होम की एक होती है कंट्रोल प्लस होम की एक होती है एंड की और एक होती है कंट्रोल प्लस एंड की आपको बताना है इनका इस्तेमाल कहां कहां और कैसे कैसे किया जाता है बताओ जरा करिए जल्दी से फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर हाँ जी पता है मैं क्या पूछने वाली हूं चलो बहुत अच्छी बात है क्या कह रहे मैं पहले से मोटी हो गई हूं नजर मत लगा देना अगर मैं 500 ग्राम भी पतली हुई ना तो फिर बताऊंगी मैं ठीक है कौन बोल रहा है ये टूटू यादव फिर मैं बताती हूं अगर मैं 500 ग्राम भी पतली हो गई तो खाओ पियो ऐश करो क्या रखा है जिंदगी में नहीं चलो बताइए जरा मुझे इन सब चीजों के बारे में होम है कंट्रोल प्लस होम है एंड है और कंट्रोल प्लस एंड है आपको बताना है कि इन सभी कीज का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है बिल्कुल अब यहां पर चार चीजें थी कैसे याद करेंगे होम का इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए अगर आप किसी पेज के एक ही पेज के ऊपर जाना चाहते हो या किसी लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए होम घर हमारे लिए सबसे पहले होता है तो यहां पर लिखो किसी लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए किसी लाइन के बिगिनिंग में शुरुआत में आने के लिए किसी लाइन के बिगिनिंग में शुरुआत में आने के लिए हम होम का इस्तेमाल करते हैं क्लियर है और कंट्रोल प्लस होम लाइन भी बोल सकता है पैराग्राफ भी बोल सकता है दोनों लिख लो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा आप ये भी लिख सकते हो पैराग्राफ के ऊपर पैराग्राफ में पैराग्राफ के शुरुआत में आने के लिए पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आने के लिए ठीक है स्टार्टिंग पर आने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा कंट्रोल उदय कंट्रोल अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब किसी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए अब आप किसी दस्तावेज में सपोज मैंने पचास पेज की बुक बनाई पचास पेज में अगर मैं कंट्रोल प्लस होम करूंगी तो मैं पहले पेज पे पहुंच जाऊंगी सबसे ऊपर दस्तावेज के सबसे पहले डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पर आने के लिए कंट्रोल उदय कंट्रोल अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो आप लिख सकते हो यहां पर दस्तावेज या डॉक्यूमेंट के सबसे स्टार्टिंग में आने के लिए दस्तावेज या डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में या फिर स्टार्टिंग में आने के लिए स्टार्टिंग पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका भूल जाओगे क्या जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते आगे एंड का मतलब जाना है नीचे नीचे जाओगे किस तरीके से तो किसी भी लाइन में नीचे जाने के लिए किसी लाइन के एंड में जाने के लिए, किसी के में जाने के लिए किया जाता है का कंट्रोल प्लस एंड का कंट्रोल उदय कंट्रोल अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे जाने के लिए किसी भी दस्तावेज के या किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे जाने के लिए डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस एंड का डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का इस्तेमाल होता है क्लियर है आगे चलें हां जी आज क्लास 12 बजे से थी मैं आपको कल भी बताती हूँ फिर भी सुनते नहीं हो कोई बात नहीं जिसकी क्लास छूट गई है वो बाद में देख लेना क्लास कहीं नहीं जाएगी यहीं पर रहेगी क्लियर चलो आगे और भी चीज मुझे बताओ कि एम एस वर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो एमएस वर्ड में टाइम कितना हो रहा है टाइम को डालने की शॉर्टकट की क्या होती है वर्तमान का समय दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं और डेट कितनी है तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तो आज की तारीख कितनी है तारीख को बताने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है बताइए जरा डेट के लिए क्या होगा और टाइम मतलब डेट के लिए क्या होने वाला है और तारीख के लिए क्या होने वाला है? क्या आवाज नहीं आ रही आवाज क्लियर है भाई हेलो, हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो 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 आ रही है आवाज चलो बताइए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा चलो आंसर आना स्टार्ट तो हो चुका है बताइए फटाफट बड़ से क्या होगा इसका आंसर आना स्टार्ट हो चुका है यहां पे कॉलन एंड सैमी कॉलन आंसर आना स्टार्ट हो चुका है आवाज आ रही है नहीं आ रही है यस मैम आ रही है बार कमेंट करके आप सभी बता दो कि मुझे आवाज है या क्लियर या नहीं है एक बार मैं यहां से सेटिंग चेक कर लू क्योंकि यहां से तो सही है बिल्कुल हम्म यहां से तो बिल्कुल सही है सेटिंग मुझे नहीं लगता कि यहां से कुछ गड़बड़ आ रही होगी बिल्कुल सही है आवाज आ रही है चलो देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में टाइम के बारे में तो टाइम के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है टी से टाइम बस टी को जोड़ देना ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी ऑल्ट शिफ्ट टी को दबाओगे तो जो वर्तमान में समय हो रहा है वो आ जाएगा और डेट के लिए बस टी की जगह डी कर देना ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी को करेंगे तो यहां पर क्या होगा हमारी डेट तारीख आ जाएगी सिस्टम की तारीख किस तरीके से होती है तो जो सिस्टम में डेट होती है पहले महीना आता है फिर आपका डेट आएगा और उसके बाद ईयर आता है तो सिस्टम में डेट इस प्रकार से डली हुई हो होती है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपसे पूछ लेता है आपसे ये पूछ सकता है कि आ, अक्षरों को डिजाइन में दिखाने के लिए या ये पूछ सकता है कि वर्ड आर्ट क्या होता है वर्ड आर्ट क्या होता है वर्ड आर्ट में अक्षरों को अक्षरों को डिजाइन में लिखा जा सकता है अक्षरों को डिजाइन में लिखते हैं ये वर्ड आर्ट के अंदर आता है यह होता है हमारा टेढ़ा ए कुछ इस प्रकार से ये टेढ़ा ए होता है और क्या क्या चीजें होती हैं? तो यहां पर एक बार मैं देख लेती हूं थोड़ा सा नजर डाल लू कुछ छूट गया है तो देख लेंगे एक होता है आपका एक होता है आपका केस चेंज केस ये तो हम भूल ही गए एक इसके अंदर आता है आपका चेंज केस ये चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं तो ये होते हैं कुल मिलाकर पांच प्रकार के चेंज केस का मतलब होता है कि आप अपनी लाइन को किस तरीके से लिख सकते हो कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में सेंटेंस में कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर लिखा जा सकता है या टॉगल में लिखा जा सकता है चेंज केस देखने को मिलते हैं यहां पर यह दिखाई दे रहा है आपका बड़ा ए छोटा ए मुझे हटाना पड़ेगा इस पर क्लिक करने के लिए मेरे पास सारे के सारे जितने भी आपके चेंज केस आते हैं सेंटेंस केस जिसमें सेंटेंस का केवल पहला लेटर कैपिटल होता है लोअर केस सारे लेटर स्मॉल एबीसीडी के आ जाएंगे अपर केस सारे लेटर बड़ी एबीसीडी कैपिटल एबीसीडी के आ जाएंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड हर एक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है और टॉगल केस पहला लेटर छोटा होगा बाकी सारे बड़े होंगे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है चेंज केस कहा जाता है इसको कितने होते हैं तो ये कुल मिलाकर पांच प्रकार के होते हैं चाहो तो लिख लेना सबसे पहले आता है आपका सेंटेंस केस सेंटेंस केस फिर आता है आपका अपर केस देखो जैसा होता है मैं उसी के अंदर लिख रही हूं इसे फिर आता है आपका लोअर केस फिर आता है आपका कैपिटलाइज़ ईच वर्ड कहां लिखे आगे लिखना पड़ेगा एक मिनट रुकना जरा इस ही आ जाए तो अच्छा रहेगा ना चलो इसके बाद आता है आपका कैपिटलाइज़ ईच वर्ड कैपिटलाइज ईच वर्ड ईच वर्ड इसके बाद आता है आपका टॉगल केस इसके बाद आता है आपका टॉगल केस अब इनके नाम से इनके लिखने के तरीके से ही आपको पता चल गया होगा सेंटेंस केस में क्या होता है किसी सेंटेंस का केवल किसी सेंटेंस का केवल पहला अक्षर कैपिटल होता है किसी सेंटेंस का केवल पहला अक्षर कैपिटल होता है अपर केस में सभी लेटर या सभी अक्षर सभी लेटर या सभी अक्षर कैपिटल होंगे लोअर केस में सभी अक्षर या सभी लेटर स्मॉल होते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर अक्षर का हर शब्द का पहला अक्षर हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होगा बाकी स्मॉल होंगे और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है टॉगल केस इसमें हर शब्द का पहला अक्षर हर शब्द का पहला अक्षर स्मॉल होता है और बाकी सब होते हैं कैपिटल और बाकी सब होते हैं कैपिटल तो ये कुल मिलाकर आपके चेंज केस होते हैं पांच प्रकार के ठीक है क्लियर है चलो तो अब ये तो हो गया हमारी बहुत सारी चीजें जो हमने कवर कर ली थियोटिकल तो मैंने बहुत पढ़ा दिया आज आपको नहीं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ लिया आपने फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा सर भारी लग रहा है भारी लग रहा है तो पढ़ नहीं रहे थे फिर आप चलो तो ये तो हो गए हमारे थ्योटिकल जितनी चीजें होती हैं बाकी जो चीजें बची होंगी तो वो हम क्वेश्चंस में कवर करेंगे अब हमारे पास है आधा घंटा जिसमें हम रैपिड फायर क्वेश्चन लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर ही रहा पढ़ना है आपको बताना है अब केवल फटाफट से क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर होंगे कुछ क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाई थ्योरी उससे संबंधित होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो रिलेटेड होंगे किससे अलग होंगे जो नए होंगे बहुत चीजें नई भी पता चलेंगी क्वेश्चन नंबर वन को करिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है करिए जरा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा तो एम एस वर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है फिगर डेटा को चित्रों को बताने के लिए पैराग्राफ लिखी हुई चीजों को बताने के लिए न्यूमेरिकल डेटा को बताने के लिए तो भाई चित्रों को बना बताने के लिए तो हम एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और नंबर वाले डेटा को बताने के लिए एमएस एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है तो लिखी हुई चीजों को बताने के लिए पैराग्राफ को बताने के लिए एमएस वर्ड का इस्तेमाल होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर एमएस वर्ड इनमें से किसका उदाहरण है क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा कौन हो टाइम ज्यादा टाइम नहीं लेना है आप लोगों को केवल केवल 10 से 15 सेकंड करो खत्म बस करिए जल्दी से फटाफट से बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा करिए जल्दी से भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा इसका आंसर तो एमएस वर्ड आपका मन करे डाउनलोड करो काम खत्म डिलीट कर दो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूजर के अकॉर्डिंग डिलीट या फिर डाउनलोड किया जाता है एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है एम एस वर्ड का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो अभी हमने पढ़ा एम एस वर्ड का इस्तेमाल केवल दस्तावेज डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है विच ग्रुपिंग इज यूज वाइल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड टेक्स्ट word? Word की फॉर्मेटिंग मतलब टेक्स्ट जो आप लिख रहे हो उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए किस ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा करिए जरा इसका आंसर क्या आ जाएगा तो हम टेबल में चीजें लिख सकते हैं पैराग्राफ में चीजें लिख सकते हैं इंडेक्स में लिख सकते हैं तो ये तीन ऑप्शन अपने पास होते हैं वर्ड के अंदर टेक्स्ट अरे ये वाला तो छूट ही गया था कोई बात नहीं इसलिए मैंने क्वेश्चंस लेकर आई ताकि जो चीज रह जाएंगी वो क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगी टेक्स्ट में आपकी पोजीशन किसके द्वारा दिखाई देती है आप एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो आप कौन सी जगह टाइप कर रहे हो ये बताने का काम इनमें से किसका होता है ब्लिंकर कर्सर कोजर पॉइंटर क्या होगा इसका आंसर बताइए जरा फटाफट से एमएस वर्ड में सारी चीजें बताने का काम किसका होता है तो एमएस वर्ड में पोजिशन बताने का काम ब्लिंकर का होता है ब्लिंकर एक लाइन होती है जो ब्लिंक करती लुप झुप लुप झुप वो बताएगी अगर आप ब्लिंकर के दाई तरफ का डेटा डिलीट करना चाहते हैं ब्लिंकर के दाई तरफ का डेटा हटाना चाहते हैं तो दो से दाई से डिलीट डिलीट बटन का इस्तेमाल किया जाता है अगर आप ब्लिंकर के बाई तरफ का डेटा हटाना चाहते हैं तो बास से बाई बास से बैक स्पेस बैक स्पेस का यूज किया जाता है क्लियर है कोई विशेष चिन्ह उसके आस्की कोड के टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है स्पेशल कैरेक्टर को टाइप करने के लिए स्पेशल सिंबल को टाइप करने के लिए इनमें से कौन सी की को आप दबाते हो मैं बताऊं स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं जैसे कीबोर्ड है कीबोर्ड के अंदर वन होता है लिखा हुआ देखो ये रहा मेरे पास कीबोर्ड अगर दिख जाए दिख रहा है इतना थोड़ा थोड़ा ये वन लिखा होता है वन के ऊपर एक मार्क होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क वन एक की है इसके ऊपर एक मार्क होता है एक्सक्लेमेटरी अगर मैं केवल इस बटन को दबाऊंगी तो वन लिखा हुआ आएगा। मैं इस बटन को कौन सी इनमें से कौन सी की दबाऊं कि ये स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट होकर आ जाए तो मुझे स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए शिफ्ट वाले बटन को दबाना पड़ता है मैं शिफ्ट के साथ अच्छा कंट्रोल के साथ वाह 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 तेजा वाह शिफ्ट के साथ दबाया जाता है स्पेशल कैरेक्टर एस से शिफ्ट एस से स्पेशल कैरेक्टर शिफ्ट के साथ दबाओगे वन को ठीक है कंट्रोल के साथ नहीं होता है एक और चीज इसके अंदर यहां पर देख लेना आस्काई की अगर हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्लियर है और ये सात और आठ बिट का दोनों का कोड होता है इसे सात बिट में भी उपलब्ध है और आठ बिट में भी उपलब्ध है क्लियर आगे चलते हैं हम यूज करते हैं आठ बिट वाला हेडर और फुटर डालने का आदेश किस मेन्यू में उपलब्ध करवाया जाता है अच्छा है हैडर फुटर क्या होते हैं ये भी एम एस वर्ड का पार्ट है अगर आप किसी पेज के ऊपर की तरफ कुछ लिखना चाहते हैं कि वो हर पेज में अपने आप लिखा हुआ आ जाए तो ऊपर जो भी चीज पेज के लिखते हैं वो हैडर होता है जैसे चैप्टर का नाम लिख दिया और अगर आप पेज के नीचे कुछ चीज लिखना चाहते हैं कि वो हर पेज के नीचे लिखी हुई आ जाए तो उसको फुटर कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है तो उसको फुटर कहा जाता है पुटर में पेज नंबर लिख देते हैं वन टू थ्री फोर अपने आप आता रहता है हेडर और पुटर को आप इंसर्ट कर रहे हो तो ये इंसर्ट वाले ऑप्शन में आता है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट को देखेंगे बताना है इसका आंसर क्या होगा कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज होगा हां जी हेडर ऊपर आता है और फुटर नीचे आता है बताइए जरा फटाफट से प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा बताओ 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 कंट्रोल प्लस पीओ का शिफ्ट दे रखा है कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल किया जाता है अगर हम बात करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट करने के लिए हम और किस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एफ बारह कंट्रोल शिफ्ट और एफ बारह इस शॉर्टकट की का भी यूज करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट किया जा सकता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्रिंट प्रीव्यू कोई भी चीज प्रिंट हो रही है उसको पहले देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है तो कंट्रोल के साथ एफ टू का इस्तेमाल किया जाता है आगे विच प्रोग्राम इज यूज टू करेक्ट स्पेलिंग इन एम एस वर्ड एम एस वर्ड में प्रोग्राम की स्पेलिंग को सही करने के लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा शॉर्टकट की तो मैंने आपको पहले बता दी है हाँ जी कंट्रोल प्लस पी बिल्कुल ठीक था हाँ जी बिल्कुल सही था भैया कंट्रोल प्लस बी बिल्कुल करेक्ट है मुझे बताइए स्पेलिंग को चेक करने के लिए स्पेलिंग चेक का इस्तेमाल किया जाएगा शॉर्टकट की होती है एफ सेवन अगर बोला जाता थियोसॉर्स के लिए का मतलब सिनोनियम को जानना है सिनोनियम का मतलब आप समान के शब्द को जानना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है है ठीक आगे चलते हैं नेक्स्ट वाइल्ड क्रिएटिंग अ वर्ड प्रोसेस्ड वो माई गॉड क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर टेन में वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म में पेज पर दिखते वर्ड चेंज कर सकता है किसके द्वारा टेक्स्ट एडिटिंग के द्वारा इंसर्टिंग टेबल्स एंड इंडेक्स के द्वारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के द्वारा या प्रूफिंग डॉक्यूमेंट के द्वारा करिए जरा फटाफट से बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा करना जरा क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा करो जरा एक बार जल्दी से बिल्कुल देखो अगर किसी भी प्रकार से आप फॉर्मेट के अंदर चेंज कर रहे हो यूजर स्क्रीन पर प्रिंटेड फॉर्म में चेंज कर रहा है तो वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट के द्वारा ही चेंज कर पाएगा ऑप्शन सी right किसे कहते हैं आ गया वर्ड रैप बताओ जरा पढ़ाया आपने अभी वर्ड रैप फीचर से आप क्या समझते हैं वर्ड रैप फीचर क्या कहलाता है क्वेश्चन नंबर इलेवन जरूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे आता है टेक्स्ट के ऊपर लिखने की अनुमति देता है या इनमें से कोई नहीं तो जरूरत के अनुसार जब लाइन एक से दूसरी लाइन में अपने आप आ जाए तो उसी को वर्ड रैप कहा जाता है एम एस वर्ड में टेक्स्ट को बीच में अलाइन करने के लिए कौन सी कीबोर्ड कमांड का इस्तेमाल किया जाता है पेज के बीचों बीच अगर कोई चीज लिखनी है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज होगा बताइए जरा फटाफट पड़ से बिल्कुल भाई जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक जरूर कर देना और जो नए बच्चे हैं आप एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी करिए फटाफट पड़ से बताइए गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून थोड़ी देर रुक जाओ पानी पी लें दो मुझे ना बीचो बीच अलाइन करना है सेंटर सेंटर अलाइनमेंट पेज के बीचों बीच कोई भी चीज लिखने के लिए कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए यूज होती है टी टेबल के लिए यूज होती है कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल किया जाता है रीडू के लिए और रीडू सौ बार कर सकते हैं रीडू या अंडू आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन आ गया रिडू और अंडू की विशेषता को कितने बार प्रयोग किया जा सकता है हाउ मेनी टाइम्स रेडू अंडू फीचर्स इज यूज इन एम एस 2007? टू थाउजेंड सेवन करिए जरा फटाफट से बताइए इसके लिए भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा करना जरा तो अभी हमने पढ़ा आप अगर किसी को रिडू कर रहे हो किसी काम को पीछे ले जा रहे हो या आगे ले जा रहे हो तो रिडू अंडू केवल सौ बार किए जा सकते हैं ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर रिडू और अंडू जो करते हो आप किसी भी चीज को ये किस पर बेस्ड होता है ये कौन से रजिस्टर में आते हैं आप काम को रिडू कर रहे हो या अंडू कर रहे हो तो ये काम रजिस्टर के अंदर स्टोर होते हैं और रजिस्टर एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है अगर एक बार बिजली चली जाएगी अगर लाइट नहीं है तो डेटा भी नहीं होगा लाइट नहीं डेटा नहीं ये काम होता है वॉलेटाइल का यदि किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर विशेष प्रकार से जैसे बड़ा करके लिखना चाहते हैं जो नीचे की लाइन तक पहुंचता हो तो इसे क्या कहेंगे बताना जरा इसका आंसर क्या होगा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है रजिस्टर सबसे तेज काम करने वाले मेमोरी में, में से एक होता है सबसे तेज स्पीड होती है रजिस्टर की दूसरे नंबर पे आता है कैश मेमोरी तीसरे पे रैम चौथे पे रोम पांचवे में हार्ड डिस्क हम बात कर रहे हैं 14 की तो भाई एक अक्षर बड़ा हो और उसके आगे आप जो भी लाइनें लिखना चाहते हो लिखो ऐसा किसके अंदर होता है ड्रॉप कैप के अंदर होता है अभी हमने पढ़ा भी है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर आगे एमएस वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितने बार या क्या क्लिक करने पर बाय डिफॉल्ट रूप से यह पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर देता है पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए माउस पर कितने बार क्लिक करना पड़ेगा बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा माउस पर कितने बार क्लिक किया जाए बताओ जरा फटाफट से माउस पर कितने बार क्लिक किया जाए कि पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा तीन बार क्लिक किया जाए वो भी लेफ्ट क्लिक तीन बार लेफ्ट क्लिक किया जाता है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सोलह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा चेंज केस के अंदर नहीं आता ये तभी कर पाओगे जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी इसलिए थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है ठीक है थियोटिकल चीजें जो कि एप्लीकेशन पे चलती हैं अब आप ये बोलोगे कि मैम आप तो एप्लीकेशन के बारे में आ, यहां पर विज्ञापन दे रही हो अरे भैया जब हम एग्जामपुर में काम कर रहे हैं तो एग्जामपुर में कोई एप्लीकेशन आएगी एप्लीकेशन पे कोई कोर्स आएगा तो हम आपको बताएंगे नहीं है ना तो आप एप्लीकेशन के अंदर कोई चीज पढ़ते हो तो डेफिनेटली एप्लीकेशन के अंदर जो भी चीजें पढ़ी जाती है वो थ्योटिकल बेसिस पर होती है यूट्यूब पे क्वेश्चन होते हैं ठीक है सबका अपना महत्व है तो अगर कोई कोर्स सात सौ का है आठ सौ का है हजार का है और उसमें छह महीने एक साल आपको पढ़ाया जाता है वो भी थियोटिकल चीज है तो एक बार पूरा फाउंडेशन बैच लेकर खत्म करो फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बात करें क्वेश्चन नंबर सोलह पर कितने चेंज केस होते हैं पांच एक होता है सेंटेंस केस अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस क्या आपने कहीं पर टाइटल केस पढ़ा है नहीं तो टाइटल केस कोई भी चेंज केस के अंतर्गत नहीं आता क्वेश्चन नंबर सत्रह देखेंगे एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है अब दे दिया ना इसने कंफ्यूज करने वाली चीजें बताइए जरा शिवा अप्सरा को बाद में ढूंढ लेना पहले आप तपस्या करके अपने एग्जाम को प्राप्त कर लो क्वेश्चन नंबर सत्रह बताओ जरा इसका आंसर क्या हो सकता है सबसे नीचे जाना है अब उसके नीचे कुछ भी नहीं है आप सबसे नीचे जा रहे हो डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे दस्तावेज के सबसे नीचे जाने के लिए कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल अब इसके नीचे कुछ नहीं है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है बताइए जरा फटाफट से, सेव की गई फाइल को ढूंढने के लिए या फिर लोड करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो आप पहले फाइल को ओपन करेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे जाहिर सी बात है सेव की वही फाइल जो ढूंढी जो आपने सेव कर दी फाइल अब उसको ढूंढना है तो ओपन वाली कमांड का इस्तेमाल करोगे कंट्रोल प्लस ओ कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटे होते हैं तो उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है मैं नहीं बताऊंगी लिखकर आप खुद करोगे इसका आंसर समझो पहले वो क्वेश्चन में क्या कहा कह रहा है उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर करना करिए जरा फटाफट से पहले समझिए उसने क्वेश्चन में आपसे क्या बोला उसने बोला बेस लाइन से ऊपर कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर छोटा लिखा हुआ है मैंने बेस लाइन में लिखा कुछ भी मैंने लिखा यहां पे नाइन बेस लाइन से ऊपर लिखा जाए और छोटा लिखा जाए अगर बेस लाइन से ऊपर लिखा गया है तो वो सुपरमैन है और उसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल के साथ शिफ्ट को दबाओगे और बराबर वाला साइन दबाओगे क्लियर है आगे चलते हैं और बेस लाइन से अगर नीचे होती ये रही मेरी बेस लाइन इससे नीचे कुछ है तो ये सब स्क्रिप्ट कहलाती है और सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बराबर वाला साइन क्लियर है आगे चलो संक्षिप्त शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है आपको बताना है, है... शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल ये एक शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस टैब शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है करिए जरा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है जल्दी से करो सर्वर प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल सही चल रही है क्लास क्लास में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है करिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के लिए बीस के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा आंसर आना स्टार्ट तो हो चुका है हां जी शॉर्टकट की मैंने आपको पहले ही बता दी थी शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है टैब के माध्यम से आगे बढ़ना है नहीं वो तो होता है कंट्रोल प्लस टैब से ऑल्ट प्लस टैब से टैब के बीच पीछ से पीछे जाना है विकल्प ऑप्शन के आगे जाना है ऑप्शन के पीछे तो ऑप्शन के पीछे जाने के लिए विकल्प के माध्यम के पीछे जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं जैसे यहां पर मेरी विंडो है यहां पर मेरे पास क्या है बहुत सारी मेन्यू बार पे चीजें हैं होम हो गया इंसर्ट हो गया व्यू हो गया रिव्यू हो गया अगर मैं ऑप्शन के पीछे वाले ऑप्शन पे जाना चाहती हूँ तो मैं शिफ्ट के साथ टैब का इस्तेमाल करूंगी और अगर आप विकल्प के माध्यम से आगे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ टैब का इस्तेमाल करेंगे क्लियर है चलो आगे चलते नेक्स्ट टेक्स्ट और रंग के योजना का पूर्व अधिकल्पित रूप निम्नलिखित में से कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द प्री फॉर्मेट ऑफ़ द टेक्स्ट एंड कलर स्कीम इज फॉलोइंग टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व पहले से बना हुआ पहले से बनी हुई है उसके रंग भी डिसाइड है उसके डिजाइन भी डिसाइड है तो पहले से बने हुए डिसाइडेड डिसाइड डिजाइन को क्या कहा जाता है करिए जरा इसका आंसर गुड आफ्टरनून बच्चा गुड आफ्टरनून अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ठीक है बताइए जरा पे आंसर क्या हो जाएगा पहले 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 मुझे कि से से जो चीज़ बनी से बनी चीज़ बनाई बनाई है, को बताइएगाट कहा जाता है ऑप्शन राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसे देख के तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाना चाहिए फॉर्मेटिंग टूल बार का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट का आकार कितना होता है सबसे छोटा फॉन्ट का आकार क्या होगा और सबसे बड़ा फॉन्ट का आकार क्या होगा बच्चा मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दूंगी थ्योरी की पीडीएफ में दे दूंगी मैंने जो थ्योरी लिखी है उसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगी आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो आप थ्योरी लिख लेना क्वेश्चन की पीडीएफ में सभी को दे दूंगी चाहे आपने यूट्यूब पे पढ़ा चाहे एप्लीकेशन पे ठीक है छोटे से छोटा बड़े से बड़ा तो फॉर्मेटिंग टूल बार का मतलब जो पहले से एप्लीकेशन में दिया हुआ है एप्लीकेशन में छोटे से छोटा आठ पॉइंट बड़े से बड़ा बहत्तर क्लिप बोर्ड के टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है चलो अच्छा है यहां पे आपको क्लिप बोर्ड के बारे में पता चलेगा क्लिप बोर्ड किसे कहते हैं तो क्लिप बोर्ड भी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है क्लिप बोर्ड भी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है कैसी मेमोरी होती है तो ये भी वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है मतलब बेशक बिजली बिजली अगर चली जाती है अगर आप काम कर रहे हो आपने कोई डेटा कॉपी कर लिया आपने कहीं से डेटा को कॉपी किया अब आप उसको ले जाकर कहीं पेस्ट कर दोगे तो उस समय वो डेटा किसके अंदर स्टोर होता है अस्थायी रूप से टेम्पररी रूप से वो डेटा क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर होता है उसको वॉल मेमोरी कहते हैं जैसे सपोज आपने कोई डेटा कॉपी किया और बीच में क्या हो गया बीच में आपका फोन स्विच ऑफ हो गया आपने फोन को ओपन किया पेस्ट करना कभी पेस्ट नहीं होगा अगर वो बिल्कुल डेड पड़ा है है तो ठीक है, आपको दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा तो जैसे ही बिजली गई उसके अंदर का डेटा भी चला गया ये क्लिपबोर्ड के अंदर होता है कॉपी करने के लिए तो कंट्रोल प्लस सी होता है यहां पर पेस्ट की बात की गई थी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर रिडू के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है देखें जरा आप कंफ्यूज तो नहीं हो कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड में रीजनिंग की क्लास कब चली है रीजनिंग की क्लास सुबह अरे सुबह मैंने तीन से चार घंटे की मैराथन ली है एक घंटे तो और सुबह सुबह छह बजे भी हुई थी एक क्लास कंप्यूटर की रीजनिंग की क्लास बच्चा आज सुबह हुई है मैंने रीजनिंग की मैराथन ली है सुबह आठ बजे से बारह बजे ग्यारह बजे तक चली थी मैराथन थी सुबह तो आज वाली क्लास अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आज का सेशन आप सुबह आठ बजे वाला ले सकते हो एग्जामपुर चैनल पर जाकर ठीक है तो रीडू री डू के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज किया जाता है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर कंफ्यूज तो नहीं हो रही होगा या अंडू होगा कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए यूज होता है और कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए यूज होता है आते हैं हम क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव पर एमएस वर्ड में बहुविध शब्दों लाइन, लाइनों या पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी के द्वारा किया जा सकता है विच की कैन बी यूज टू सेलेक्ट मल्टीपल वर्ड्स लाइन्स एंड पैराग्राफ बहुत सारे लाइन पैराग्राफ और शब्दों को चुनने के लिए इसमें से किसका यूज किया जाता है करिए जरा इसका आंसर बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 25 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो सारी चीजों को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन का यूज किया जाता है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर विच ऑफ फॉलोइंग इज बाय डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का बॉडी फॉन्ट क्या था नाम क्या था फॉन्ट का ये भी आपने किया है अगर आपको पता हो तो बताइए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करते हैं फॉन्ट का नाम क्या था बॉडी फॉन्ट क्या था तो ये कैलिब्री था और फॉन्ट का आकार कितना सेट होता है तो फॉन्ट का साइज बाय डिफॉल्ट 11 पॉइंट का होता है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं होगा इनमें से किसके अंदर आप वर्ड से रिलेटेड टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें नहीं कर सकते करिए जरा क्वेश्चन नंबर सत्ताइस ट्वेंटी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो आईबीएम ने अपनी एक एप्लीकेशन निकाली थी लोटस सिंफनी इसके अंदर भी लिखावट आप डेटा को लिख सकते थे टेक्स्ट को लिखा जा सकता था माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस वर्ड निकाला है गूगल ने गूगल डॉक निकाला है इसमें भी हम चीजों को लिख सकते हैं लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सल केवल और केवल स्प्रेडशीट के लिए यूज किया जाता है अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो न्यूमेरिकल बेस है या रो और कॉलम में आपको उसको अरेन्ज करना है तो एमएस एक्सल का इस्तेमाल होता है एमएस एक्सल में नहीं होता वर्ड क्लियर आगे MS Word वर्ड या अगर मैं बात करती हूं वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए देखो शॉर्टकट की नहीं दी, इसने कुछ और पूछ लिया पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे अच्छा बताना जरा खुद सोचो एक बार कोशिश करो अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हो तो इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे करिए जरा एक बार जल्दी से अरे रुक जाओ बस बस पांच मिनट और रुक जाओ फिर मैं आपके सारे सवाल के जवाब देती हूँ जो भी बच्चे बात कर रहे हैं कि मैम कैसे हमें पीडीएफ मिलेगी वो सारी चीजें ठीक है बात करिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट बताओ जरा फटाफट से अरे कोशिश तो करो क्वेश्चन को पढ़, पढ़ तो लिया करो बेचारे को पहले हम इंसर्ट करेंगे और फिर ब्रेक कर देंगे पेज को ब्रेक करना है नया पेज लाओ पुराने से नीचे वाले में आ जाओ और अगर शॉर्टकट की बोलता तो पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर आगे चलती है मेल मर्ज इज कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से मेल मर्ज किसका घटक है निम्नलिखित में से मेल मर्ज किसका घटक होगा बताने आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेल मर्ज इनमें से किसका घटक है करिए जरा जल्दी से इसका आंसर मेल मर्ज अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट को पांच छह दस बारह लोगों को भेजना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में मेल मर्ज की सुविधा दी जाती है आप डॉक्यूमेंट को एक साथ लगातार बहुत सारे लोगों को भेज सकते हो डायरेक्ट एम एस वर्ड से क्वेश्चन नंबर थर्टी कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है तो इसको जल्दी जल्दी करेंगे तो टू इटैली आप अगर किसी लेटर को टेढ़ा इटैलिक करना चाहते हैं तो वहां पर कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल किया जाता है गटर मार्जिन अब पढ़ो इस ऑप्शन को बताओ क्या लग रहा है आपको गटर मार्जिन क्या है हमने पढ़ा है गटर मार्जिन के बारे में गटर मार्जिन से आप क्या समझते हैं बताओ जरा एक बार फटाफट से हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन की पीडीएफ में आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगी टोटल जितने बच्चे क्लास में है ना क्वेश्चन नंबर थर्टी वन मुद्रण में बाएं मार्जिन से जुड़ने वाला मार्जिन दाएं मार्जिन से जुड़ता है प्रस्ट के बाइंडिंग साइड से जुड़ता है या प्रस्ट में बाहर जुड़ने वाला मार्जिन क्वेश्चन थर्टी वन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है करो 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 तो मुद्रण में प्रस्ट के बाइंडिंग साइड से आप बाइंडिंग कोई कहीं से भी करवा सकता है कोई नीचे से तो जिधर से भी आप बाइंडिंग करवाना चाहते हैं उस साइड गटर मार्जिन को लगाया जा सकता है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर एमएस वर्ड दो में जूम करने की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है क्वेश्चन नंबर बत्तीस थर्टी टू के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा करिए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी लेकिन केवल क्वेश्चन की मिलेगी क्योंकि जो थियोटिकल मैंने चीजें स्टार्टिंग में करवाई थी वो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना वो नहीं दूंगी ठीक है पीडीएफ में आप सभी को दूंगी जो क्वेश्चन की है जो क्वेश्चन करवा रही है ना तीस क्वेश्चन हुए अभी देखो 40 हो जाए तो और अच्छी बात है तो यहां पर आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी था कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम होता है 500 परसेंट और इनमें से किसी में नहीं दे रखा था फिर कैसे कर सकते हो इसको करेक्ट कर लेना 500 परसेंट होता है एमएस वर्ड में ऑप्शन डी आ जाएगा इनमें से कोई भी नहीं निम्न में से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण होता है इन में से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण होता है क्वेश्चन नंबर तैतीस के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट क्या बिल्कुल एक्स्ट्रा स्पेस जो ज्यादा जगह है उसको कम कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं दो हाइफन का एक जगह एक साथ जगह बदलना हाइफन को चेंज भी किया जा सकता है तो ये सारे काम हम ऑटो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर कर सकते हैं ऑप्शन हो जाता डी ये सभी क्वेश्चन नंबर चौतीस स्पेलिंग तथा ग्रामर के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल में और वर्ड में क्या अंतर होता है देखो वर्ड के अंदर आप चीजें लिखोगे टाइप करोगे अक्षरों को लिखोगे बुक लिखी जाती है मैगजीन कॉलम लिखे जाते हैं और एमएस एक्सेल में क्या करते हैं तो एमएस एक्सेल में नंबर्स लिखे जाते हैं रो और कॉलम में डिब्बों के अंदर डेटा को कम अक्षरों का इस्तेमाल करके कम नंबर का इस्तेमाल करके चीजों को दिखाना पड़ता है तो एमएस एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है बैंकिंग के अंदर जहां पर भी अमाउंट पैसे रोकड़ा इन सब की बातें हो फॉर्मुल लगाने की बातें हो ठीक है और एमएस डॉक्यूमेंट ये होता है दस्तावेज के लिए ये जो लिखी हुई है ना चीज एमएस वर्ड में लिखी है मैंने फिर इसकी मैंने पीडीएफ बना दी क्या होगा इसका आंसर तो फाइंड ग्रामिकल gram, या फिर स्पेलिंग की मिस्टेक एफ सेवन से एफ फाइव का इस्तेमाल किया जाता है रिफ्रेश के लिए अच्छा एक चीज तो रह गई इसमें एफ वन का इस्तेमाल किया जाता है हेल्प के लिए एफ टू का इस्तेमाल किया जाता है सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए एम एस ऑफिस दो में लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है जो पीछे एक्शन मतलब एक्शन इन द सेंस ऑफ जो पीछे काम किया था अगर उसी को रिपीट करना है एक तो रिपीट करने के लिए हम रीडू का इस्तेमाल करते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई पर यहां ऑप्शन में कंट्रोल प्लस वाई या रीडू तो है नहीं फिर आप आंसर क्या करेंगे बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है करिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो पिछले काम को दोहराने के लिए लास्ट एक्शन अरे एक मिनट रुक जाना ये लास्ट एक्शन बोल रहा है प्रीवियस नहीं लास्ट एक्शन को दोहराने के लिए अंडू करते हैं और अगर बोलता है ये प्रीवियस एक्शन को दोहराने के लिए जो काम आप कर रहे हो प्रीवियस एक्शन को दोहराने के लिए रीडू का इस्तेमाल किया जाता है इसको कर लेना लास्ट पिछले वाले एक्शन पे जाने के लिए अंडू का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस जेड और आगे वाले एक्शन को दोहराने के लिए रीडू का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस वाई लास्ट एक्शन पर जाने के लिए एफ फोर का भी इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन बी विल्स का इस्तेमाल होता है एड्रेस बार पर जाने के लिए एफ एट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एफ टू का इस्तेमाल किया जाता है रीनेम किसी भी फाइल के नाम को बदलने के लिए किया जाता है आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर के बारे में क्या दिया हुआ है एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वैध संस्करण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है इल्लीगल होगा बताओ जरा क्या आंसर हो सकता है करिए जल्दी से फटाफट से बचत दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका बैच हटेगा नहीं ठीक है क्वेश्चन नंबर बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है तो ऑफिस मैनेजर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई वैलिड संस्करण या कोई वर्जन ही नहीं है बाकी एक्सपी भी है 2000 भी है विंडो का 8 भी आया था विंडो 10 11 भी है लेकिन ऑफिस मैनेजर इसके अंतर्गत नहीं आता निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो पक्का क्या होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो उबंटू ये यह का नया वर्जन है और उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है लाइनेक्स ये उन्नीस सौ इक्यानवे में लाइनेस टोनॉल्ड नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था और टॉर्न ठीक है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स मुफ्त 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 फ्री का ठीक है ओपन सोर्स है विंडो 10 की मैं बात करती हूं तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है एमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मन करे डाउनलोड करो मन करे डिलीट करो जो मन आए वो करो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट निम्न में से कौन सा कथन गलत है तो इसको मैं ही बता देती हूं आप तो पढ़ोगी और पढ़ने के बाद आपको चक्कर आ जाएगा

किसी तालिका के सभी सेल की पृष्ठभूमि का रंग समान होना चाहिए कौन कह रहा है भाई समान होना चाहिए आप टेबल में जितने भी कॉलम सबका रंग अलग कर सकते हो तो तया बैंगनी और कौन कौन से रंग होते हैं पिंक नीला काला नीला गुलाबी सतरंगी कुछ भी कलर कर सकते हो जरूरी नहीं कि सेम होना चाहिए तो ये तो गलत दे रखा है ये तो पहला ही ऑप्शन मिल गया दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को डाला जा सकता है बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं टेबल को, का करके। यहां पर केवल पहले वाला ही गलत दिया हुआ है ऑप्शन right दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं एक तो होता है पोर्ट्रेट और दूसरा कैसा होता है दो प्रकार के पोर्ट्रेट एक तो होता है पोर्ट्रेट और दूसरा कैसे दो प्रकार के अगर हम बात करते हैं हाँ एमएस वर्ड फोन में डाउनलोड हो जाएगा एमएस वर्ड पूरा एमएमएस ऑफिस का पैकेज कर लो एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब कुछ चल जाता है फोन के अंदर ठीक है दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं एक तो होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर तो जो एम एस वर्ड होता है और जो एम एस एक्सेल होता है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में जो पेज का साइज होता है वो तो पोर्ट्रेट होता है और अगर मैं बात करती हूँ एमएस पावर पॉइंट की तो एम एस पावर पॉइंट पे आप जहां लिखते हो उसको स्लाइड कहते हैं और उसका साइज होता है लैंडस्केप क्लियर है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा हर एक काम के लिए दो ऑप्शन होते हैं हमें पता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं पर अगर वो कंट्रोल प्लस एच दे ही ना फिर क्या करोगे अगर वो दे ही ना फिर क्या किया जाएगा बताइए जरा बच्चा नवनीत आप जो भी कमेंट कर एक बार ऑफलाइन कमेंट कर देना मैं इसका रिप्लाई आपको खुद से अपने आप ही दे दूंगी देखकर ठीक है मासूम छोरा बिल्कुल सही है माही बिल्कुल सही है क्यूट बिल्कुल सही है करिए जरा से मैम घर जाऊं भूख लगी है अभी आप कहां पे बैठ के क्लास देख रहे हो फिर अपरा करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर चालीस क्या होगा इसका आंसर फोर्टी के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा करिए जरा एक बार जल्दी से अरे बताओ क्या होगा इसका आंसर F5 का इस्तेमाल भी किया जाता है फाइन एंड रिप्लेस के लिए ठीक है F5 अगर पहली बार करोगे नॉर्मल विंडो पे तो ये रिफ्रेश करता है बट फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आप F5 को भी दबा सकते हैं आगे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग को सबको हटा दो जितनी फॉर्मेट कर रखी है सारी फॉर्मेट को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है सपोज मैंने एक अक्षर लिखा था मैंने अपना ही नाम लिख दिया मैंने लिख दिया प्रीति ये मैंने इटैलिक में लिखा था मैंने लिखा प्रीति मिश्रा अब मैं चाहती हूँ इसकी फॉर्मेटिंग को हटाना जब मैं यहां पर आकर इनमें से कौन सी शॉर्टकट की को दबा दूंगी तो यहां पर जो मैंने इटैलिक फॉर्मेटिंग की थी वो हट जाएगी और मेरे अक्षर यहां पर सिंपल सिंपल लिखे हुए आ जाएंगे तो फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है कंट्रोल के साथ स्पेस बार का यूज होता है ऑप्शन सी विल बी सॉरी डी विल बी द राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दो वट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रिव्यू ये तो मैं बता बता के थक गई अगर आप इसमें गलती कर दी ना तो फिर ऐसे नहीं चलेगा ठीक है अरे वाह वेरी गुड बहुत अच्छी बात है अगर आपके ट्रिपल सी में एस ग्रेड आई एस उसी की आती है जिसके 85 से ज्यादा नंबर ठीक होते हैं चलो प्रेम जी वो बहुत अच्छी बात है और बताओ जल्दी से क्या होगा यहां पे अरे क्यूट मुंडा कैसे कैसे नाम रख रखे हैं आप लोगों ने करिए जल्दी से बताइए यहां पे क्या होगा आंसर तो शॉर्टकट की प्रिंट प्रिव्यू की कंट्रोल के साथ F2 पढ़ा था हमने वॉट इज 45 क्वेश्चन कर लो 45 क्वेश्चन पाठ संपादक के संरक्षण के लिए सामान्य विकल्प क्या होता है कॉमन ऑप्शन ऑफ अलाइनमेंट इन टेक्स्ट एडिटर कॉमन ऑप्शन जो देखने को मिलता है वो कौन कौन से होते हैं हम पेज पर चीजें कितने प्रकार से लिख सकते हैं पेज पर चीजों को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है करिए जरा इसका आंसर पेज पर चीजों को चार प्रकार से लिखा जा सकता है बीच में राइट में लेफ्ट में जस्टिफाई मतलब एक लाइन के नीचे एक लाइन सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का फॉन्ट आकार बॉक्स को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है फॉन्ट के आकार को चेक करना है तो फॉन्ट के आकार को या फॉन्ट के आकार को बढ़ाना है घटाना है फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए हम किस किस का इस्तेमाल करते हैं तो देखना यहाँ पे फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस डी का भी इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का भी इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का भी इस्तेमाल किया जाता है तो इन तीनों शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा फ़ॉन्ट सबसे छोटा फ़ॉन्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा लिया जा सकता है सबसे छोटा बताइए जरा फटाफट से सबसे छोटा फ़ॉन्ट क्या होगा और आज का यह सेशन लेने के बाद आपके पास जो भी बुक है एक्स वाई जेड प्रीवियस ईयर हो या इंटरनेट पर इतने सारे आपको क्विज मिल जाएंगे एक क्विज खोल लेना एमएस वर्ड का डब्ल्यू पर जाकर क्विज खोल लेना एमएस वर्ड का खोलने के बाद क्वेश्चन लगाकर देखना मुझे बताना कितने सही हुए ठीक है तो सबसे छोटा साइज होता है एक मैंने आपको बताया भी था छोटे से छोटा एक बड़े से बड़ा सोलह सो अड़तीस जो हम लोग लिखते हैं और जो एप्लीकेशन देता है वो छोटे से छोटा आठ और बड़े से बड़ा बहत्तर दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है एक तो आंसर एक नहीं करोगे आप ठीक है चलो तो ये तो थे आपके आज के सेशन के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी रहने वाला है आपका होमवर्क जिसका आंसर आप सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथ ही में एक और मैं दूंगी एमएस एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेट को डालने के लिए और टाइम को डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है ये भी आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी एमएस ऑफिस कैसा लगा क्योंकि आज मैंने थ्योरी और क्वेश्चन दोनों करवाए हैं पीडीएफ एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर यूट्यूब फ्री सेक्शन में आपको मिल जाएगी जैसी मैं यहाँ से फ्री होती हूँ थोड़ा पानी वानी पीऊंगी ठीक है थोड़ा सा आराम बैठ जाऊं पांच मिनट फिर मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी ओके ऑफलाइन कमेंट कैसे करते हैं जब क्लास बंद हो जाएगी ना तो आप दोबारा से आना एग्जामपुर चैनल पर देखना प्रीति मैम की क्लास कहां है और वो इसी क्लास के नीचे जब खोलोगे तो नीचे बॉक्स बॉक्स आता है कमेंट उसके लिए जीमेल पे अकाउंट बनाकर आपने इसमें बनाकरूब खोला होगा तभी वो अकाउंट भी दिखाएगा कमेंट वाला तब जाकर आप उस पर कमेंट कर सकते हैं ठीक है कैसी लगी क्लास जरूर मेरे को बताना भाई नीचे ऑफलाइन कमेंट करके दो घंटे की क्लास लिए इतना बनता है ठीक है जितनी तारीफ कर सकते हो जितनी शायरी कर सकते हो खुले दिल से स्वागत है आप सभी का ठीक है चलो तो जैसी लगी होगी क्लास जरूर मेरे को एक बार अलग अंदाज में बताना इस बार सैटरडे है अच्छे से संडे पढ़ूंगी अच्छा कल क्लास है आपकी शाम को पांच बजे से लेकर आठ बजे तक कल शाम पांच से आठ बजे की क्लास है कंप्यूटर की जिसमें मैं सौ क्वेश्चन करवाऊंगी वो जरूर देखना कल संडे स्पेशल है बाकी क्लास रेगुलर होती है एक बजे आप जुड़ सकते हो जो बच्चे एग्जामपुर पर सेशन को देख रहे हैं अभी आपकी अनिल सर की क्लास चल रही होगी अनिल सर का एक छोटा सेशन है जिसमें वो इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं अभी आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाले बच्चे एग्जामपुर में अनिल सर की सेशन चल रहा है क्लास उसमें जाओ जल्दी से और उसको जरूर देखना ठीक है चलो हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है उमेश जरा यहां नोएडा में भी भेज दो यहां बहुत गंदी वाली गर्मी है चलो तो आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं बिल्कुल राजस्थान वाले स्टूडेंट्स भी आप लोग भी ले लीजिएगा क्योंकि 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन पे क्लास जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं ठीक है अरे थैंक यू सो मच क्यूट मुंडा और माही क्यूट गर्ल सबका नाम क्यूट क्यूट है यहाँ पे जितने भी राजस्थान में है मासूम छोरा मानसी क्यूट मुंडा क्यूट गर्ल कितने क्यूटनेस है चलो तो सेशन को लाइक करके जाना शेयर कर देना और जो भी आपको अच्छा लगे डेफिनेटली नीचे जरूर कमेंट करना मिलते हैं हम कल शाम पांच बजे तब तक ले हंस रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए अपने अपने घरवालों का ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत